खत्म हुआ है तो ये क्वेश्चन प्रीमच्योर है। अभी यात्रियों ने मतलब हजारों किलोमीटर चले हैं, तो थोड़ा समय दे दीजिए, अब देखते हैं क्या होता है। मगर यात्रा साउथ से नॉर्थ गई, मगर यात्रा का इफेक्ट पूरे देश में है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये एक दृष्टिकोण है, एक विजन है, देश के लिए एक जीने का तरीका है, और इसका इफेक्ट पूरे देश में हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने और हमारे वर्कर्स ने अलग-अलग स्टेट्स में भी ये यात्राएं की हैं, तो इसका काफी इफेक्ट रहा है और नेशनल इफेक्ट रहा है। बट सोचेंगे, मेरे हैं 2-3 आइडियाज मेरे पास, देखते हिंदू से आशिक, हैं। माइक माइक दीजिएगा, माइक मैं दीजिएगा। आपको थोड़ा मैं थोड़ा और बता देता हूं। मेरे मुताबिक जो देश की पॉलिटिकल क्लास है, और उसमें मैं सबको जोड़ता हूं, उसमें कांग्रेस, बीजेपी, सब पार्टियां, उसमें और जनता में थोड़ी दूरी पैदा हो गई है। पूरा का पूरा कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू होता है, इंटरव्यूज के थ्रू होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू होता है। मेरी थिंकिंग थी कि ये जो दूरी है, इसे कम किया जाए। ये सिर्फ फिजिकल दूरी नहीं है, तो एक इस दूरी को कम करने का तरीका सड़क पे चलने का है, लोगों से मिलने का है, गले लगने का है। दूसरी दूरियां भी हैं। एक और बात आ गई है, जो पहले अनबायस्ड कम्युनिकेशन होता था, और मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं, बट ये फैक्ट है, जो पहले अनबायस्ड कम्युनिकेशन होता था, चाहे वो इंटरव्यूज हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो, अब उसमें एक बायस सी आ गई है। तो जो फोकस मीडिया को ऑपोजिशन पे देना चाहिए, वो देती नहीं है, और जो हम बोलते हैं उसको ट्विस्ट कर जाती है। तो मुझे लगा कि एक नए तरीके का पॉलिटिकल पॉलिटिकल विजन की जरूरत है, और मेरे माइंड में ये पहला कदम है। और फ्रैंकली मैं बताऊं तो ये छोटा कदम है, मेरे माइंड में इससे ज्यादा गहरे कदम हैं जो जिनके बारे में मैं सोच रहा हूं। ईस्ट वेस्ट के बारे में देखते हैं, मगर फ्रैंकली मैं आपको बताऊं तो मुझे अभी सब यात्रियों ने कहा कि भैया अभी ईस्ट वेस्ट करनी पड़ेगी, ईस्ट वेस्ट करनी पड़ेगी, हमें चलना है। तो वहां पे तो मूड बिल्कुल अलग है, मतलब यात्रियों में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।